श्री दरबार साहब का न्यारा महत्व विद्वाना दियां रामां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। किसी गैर सिख विद्वान ने भी जद सिख इतिहास ते परंपरावां दा किसी मलीन भाव तो मुक्त होकर मुतालिया करन दा सुहिरद उपराला कीता तां उह दरबार साहब की इस अलौकिकता ते इस दे इलाही जलाल तो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकिया। अजिहे ही एक यूरपी विद्वान की दरबार साहब बारे हेठ लिखी दिलकश टिप्पणी सिखां दे विश्वासां ते जज्बियां की बहुत ही फबमी पेशकारी करती है। दरबार साहब एक सालम समूह है जो सिख पंथ द्वारा प्रणाए बराबरी ते एकता दे सिद्धांत का मुजस्मा है। यह इतिहास अंदर सिखां नूं प्रेरणा ते मार्ग सेध मुहैया करन वाली प्रमुख जगह ते उन्हां दी लामबंदी दा केंद्र बनिया रहा है। सदियां तक यह सिखां दीआं धार्मिक ते राजसी सरगर्मियां दा केंद्र बनिया रहा है। इस विच उन्हां दे गुरुआं महापुरशां ते शहीदां मुरीदां दीआं पुनीत जादां उन्हां दीआं उम्मीदां ते मायूसियां उन्हां दी सुसे ते गतियां जंगां ते जित्तां गुंदियां पईआं हन कि उन्हां नूं अपने महान विरसे होणियां भरे इतिहास अते परंपरा दी अते सदियां तो इस नाल जुड़ चुकियां अनेकां पुराणिक कथावां ते अलौकिक कारनामियां दी याद ताज़ा करवाउंदा है। इह सिखां लई उन्हां दे सूरम गति भरे अतीत दा चिन्ह है जो तरथली भरपूर वर्तमान चों दी गुजरदा होया भविख दे विच जा प्रगट हुंदा है। पछम दे ही एक होर विद्वान ने भी इस नाल ही मिलदे जुलदे विचार प्रगटाउंदिआं लिखिआ सिखां ते मुगलां विचकार जंगां हुंदियां रहियां अते वार वार सिखां नूं उन्हां दे पवित्र मंदर चों खदेड़ दित्ता जांदा रहा। उन्हां दे सिरां दे मुल रख के उन्हां नूं लोक छिप के जंगलां च रहण लई मजबूर कर दित्ता जांदा सी पर कोई भी गल उन्हां दे दरबार साहिब नूं सुतंत्र करवाउण अते अमृतसर परत आउण दे दृढ़ इरादे नूं डुला ना सकी। जिन्नी वारी मुगलां ते अफगाना ने इस नूं ढा दिता उन्नी ही वारी सिखां ने मुड़ तकड़िया हो के इस नूं फिर तो उसार लिया। उदों भी जदों इस उत्ते मुगलां दा पूरा कब्जा हुंदा सी सिखां अंदर सरोवर विच आ के चुब्भी लाउण दी तांग इन्नी प्रबल हुंदी सी कि सामने दिखदी प्रतख मौत दे बावजूद वह जंगल चों निकल के सरपट घोड़े दड़ाउंदे होए अते पानी विच चुब्भी ला के मुड़ अपनियां छुपण गाहां नूं परत जांदे। सुनहरी मंदर दी नकाशी ते लपाई विच अते इस दीआं इट्टां दे विच सूरम गति ते बहादरी दे बहुत सारे किस्से गुंदे पए हन। गोल्डन टैंपल समूह दीआं इमारतां विच जिवें बहुत सारियां इट्टां लगियां हन उवें ही सिखी दीआं बुनियादां दा गच बन्नण लई बाबा दीप सिंह वर्गे बहुत सारे सूरबीरां दीआं जानां लग गईआं। हर पत्थर अते संगमरमर दा हर टुकड़ा सूरबीरता शहादत ते चमत्कारां दी गाथा बयान करदा है। एक अंग्रेज़ लिखारी सिखां दे श्री दरबार साहिब नाल विशेष रिश्ते दा गूढ़ मुतालिया करन तों बाद इस निर्णय ते पुज्जा सी कि सिखां बारे जां उहनां दीआं समस्यावां बारे जेकर कोई गल भर दावे नाल कही जा सकदी है तां उह इह है कि उह दरबार साहिब ते इस दे चुगिरदे उत्ते अपना अधिकार नहीं छड्डणगे। देश विच कोई भी हकूमत होवे उह दरबार साहिब उत्ते किसे भी किस्म दा सरकारी कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करनगे। इस बारे किसे नूं कोई शंका नहीं रहना चाहिए, कोई गलबा नहीं अते सब तो वध गल इह कि सिख संस्थावां जां सभ्याचार अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं। इन्हां नूं साबत सरूप रखण वास्ते उह आखरी दम तक संघर्ष करनगे। दरबार साहिब प्रति अपने विशेष मोह ते तीबर श्रद्धा भाव की वजह करके सिखां दा तां मुढ़ तों ही इह विश्वास बनिया आ रहा है कि दरबार साहिब दुनिया के सभना तीर्थ केंद्रां ते धार्मिक अस्थानां नालों अलग न्यारा ते श्रेष्ठ है। हेठ लिखे पुरातन काव्य टोटियां चों सिखां दे दरबार साहिब प्रति स्नेह ते श्रद्धा भाव की सही झलक मिल जाती है। जिवें कि 68 तीर्थ ताकी शरण अवर ना दूजा ते संसार कवि सौंदा।
ऐसी ना अयोध्या काशी द्वारका गया प्रयाग मथुरा अवंतका ना कांशी हरिद्वार है मटन पटन ना अमरनाथ जगन्नाथ वृंदावन बद्रीनाथ ऐसो ना किदार है पुख कर कटास ओ मकेशर मदीना काबा जैसो मदर देश सुदासर गुरुद्वार है आप महाराज लै टोकरी निकासी कार गुरु रामदास जी को भारी दरबार है ज्ञानी ज्ञान सिंह अज भी दरबार साहब नू वेंदिया ही सिखां दे मुंह आप मुहारे ही ये शरदा भेजे बोल निकल तुरदे हन कि डिठे सबे थाम नहीं तुद जिहा सिखां तों अलावा भी जो भी कोई जगियासु कितों भी चल के दरबार साहब दे दर्शनां नू आया ओ पहली नजरे ही इस दी रूहानी जीनत दा रसिया होके रह गया खालसा राज मौके 1836 ईस्वी पंजाब ते कश्मीर दी फेरी ते आए एक यूरपी सैलानी नू अमृतसर दा दरबार साहब भारत दे होरना मंदरां नालों बहुत ही रोमांचकारी ते अद्भुत जापिया सी एक बरतानवी विद्वान लखारी दी राय विच जेकर दरबार साहब दी तुलना दिल्ली दे लाल किले उदयपुर दीयां झीलां ते आगरे दे ताज महल नाल कीती जावे ता कुल मिला के इन्हां सभनां दे जोड़ फल नालों भी वाधू है ए इसे तरह 1838 ईस्वी विच जद भारत दा गवर्नर जनरल लार्ड आकलैंड महाराजा रणजीत सिंह दे नाल दरबार साहब दे दर्शनां लई पहुंचिया ता पंजाब दे शक्तिशाली शहनशाह द्वारा दरबार साहब दी ड्योढ़ी उत्ते ही जुत्ती उतार के नंगे पैरी हो तुरन अते अथाह श्रद्धा ते निर्माणता नाल धरती उत्ते न्यो के नतमस्तक होण दी अदा ने गवर्नर जनरल दे नाल आई उसकी भैण एमली ईडन नू एक तरह नाल चक्रित ही कर दिता सी पंजाब उत्ते अंग्रेजां दे कब्जे नू अजे बहुता चिर नहीं सी होया जदों उस वेले पंजाब पधारे एक अज्ञात अंग्रेज लिखारी ने सिख धर्म ते इस दे बानी श्री गुरु नानक साहब जी दे बारे लिखे अपने एक आला दर्जे दे लेख अंदर दरबार साहब दे सोजमई सुहापन ते इस दियां कलामई खूबियां दे नाल ही इस दे धार्मिक ते रासी महत्व दा भी डूंघा अनुभव कर लिया सी उसने असाधारण अंतर दृष्टि नाल उदों ही ये सच बुझ लिया सी कि दरबार साहब ते इस दे सरोवर विच सिख कौम दा धार्मिक जोश ते कौमी गौरव विद्यमान है अते एक महान कौम दीयां उम्मीदां ते उमंगां दा केंद्र है ये इस तरह असी वेख सकदे हाँ जिस किसी नूं वी सिख धर्म ते फलसफे दा डूंघा इलम है उस लई दरबार साहब दी सिख इतिहास नाल अटुट गूढ़ी सांझ अते सिख मानसिकता अंदर रमी होई इस दी अमिट गाढ़ी जात दा राज समझना उक्का ही औखा नहीं नामवर सिख विद्वान सरदार हरिंदर सिंह महबूब दे शब्दां विच दरबार साहब जिस अरूप करिश्मे विचों आया उसे अरूप करिश्मे विचों सिख इतिहास जन्मिया अते समें दे वर्कियां उत्ते पंथ दे अजित लश्करां ने जो मार के पेश कीते उन्हां दी सिरजणा पिछे दरबार साहब दा अमिट सुपना है महबूब होरां दा दावा है कि सिख हस्ती नूं दरबार साहब नालों अलग करके नहीं वेख्या जा सकदा अते ना ही दरबार साहब नूं सिख हस्ती चों मनफी कीता जा सकदा है क्योंकि इह सिख दे राह सदीवी इकरार नाल जुड़े हन अते दरबार साहब उस सदीवी इकरार दा पावन निशान है ये अनुपम ते लाजवाब है क्योंकि ये उस गुरु लिब दा पावन निशान है जिस नूं निश्चल आसन नसीब होया अते जिस नूं पंथ दी हर मुश्किल अते महानता दा इलम सी इस निश्चल आसन दा मखमली मसनद उत्ते 500 साल दे पंथक अमल दियां सुंदर लकीरां हन अते अगले समयां लई इकरार हन सिक्खी रंग विच रंगे पंजाबी दे अलबेले कवि प्रोफेसर पूरन सिंह नूं 1914 विच जद गुरपुरब दे पवित्र दिहाड़े ते भाई वीर सिंह होरां नाल जा के दरबार साहब दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया तां उन्हां अनंत हुलास विच आ के एक लम्मा लेख लिखिया जिस नूं उन्हां आत्मक पौ फुटाला दा ढुकवां अनुवाद दिता
जिस चो सिखां दियां श्री दरबार साहब नाल आत्मक ते इतिहासक सांझां दियां सारियां परतां प्रकाशमान हो जांदियां हन। नमूना हाजर है। अज मैनू सोझी आई, अज पता लगा, मैं सौं खा के यथार्थ कहिंदा हाँ कि दरबार साहब मेरा है। यह मेरी जाति ते अपनी विरासत है। यह सचखंड का टुकड़ा कलगियां वाले ने अपने जागदे बच्चियां लई घल्लिया है। यह साडा अटल अमर सच घर है, सच वतन है। यह गुरु रामदास साहब जी की देह है। यह साडा जीवन, प्राण, धरत, आकाश, हड्डी, मास, रुद्र है। यह साडा दिल है। यह साडे लोक परलोक की फतेह है। यह साडे रब का घर है। सारी कुदरत के मुल विच असी इस दी एक शिला नहीं दे सकते, क्योंकि एक एक शिला विच इलाही जिंद धड़क रही है। यह शिला नहीं, संग मरमर नहीं, यह ईश्वरी दरबार के अड अड सिंघासन हैं, जिथे रसीए पहुंचे हुए फकीर पीर मीर शरीर ध्यान लीन कर बैठे हैं। हे नैन जोत थी हीन मनुख, भावें तू कोई होवे, इत्थे सिर दे बल चल। ये पीरां पैगंबरां दे अदब दा स्थान है। कुल दुनिया विच बस एक है। इत्थे जागदा बंदा बन के आ, इत्थे अनंत अदब नाल सिर चुका, मत्था टेक, नहीं तां जा मर जाएगा। बाजां वाले मालक दा ये मंदर है। इत्थे उस दी लो है। ये तो साडी तवारीखी अमर दुनिया है। साड़ी माली गरीबी अथवा आत्मक बेहोशी करके जो गुरद्वारा समाया उही ए है। जद कदी आनंदपुर साहब की कोई इट गिरी, वह इत्थे आण लगी। जद कदी सतगुरां दे चरण रज की पवित्र धरती लोप होई, वह इस मंदिर विच आण प्रगटी। साडा सब कुछ जे गुम हो जावे तद इत्थे मिल जाएगा। हाँ जी, इथों तक के सतगुरां दस जामे जेडे बाबा जी ने पाए ते उतारे, साडी दृष्टि थी गायब होए, वो इत्थे मिलदे हन। सतगुरां दी नित अवतारी दे दे दीदार हुंदे हन। हजारां भीड़ां लंघ जांदियां हन, कई मेले हुंदे हन, दिन रात मेला हुंदा है। दरबार साहब इतना महान ते नाजुक चुंबक पत्थर है कि इसते शरीर नाल केवल सिख हिरदे नाल चिमटे जांदे हन। बाकी रेत दे किणकियां वांग हवा दे तप्पे नाल परे सुटे जांदे हन। कलगियां वाले बाबा जी ने अपने सिख इसे करके ही सरबलोह दी देह दे बना दिते, जो दरबार साहब दी देह नाल शो शो के आप जी दे बच्चे सदा आत्मक मिकनातीस बने रहन, सदा आत्मक जीवन दी सूखम सथूल रौन नाल भरे रहन। लेखक सरदार अजमेर सिंह, आवाज भाई गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।